कोई शरण में आ जाए ना तो भगवान आगे पीछे सारे कुटुंब का पोषण करते हैं। फिर भाई ये हमारे भक्त का नातेदार है, ये हमारे भक्त का संबंधी है, ऐसे भगवान आगे पीछे पूरे कुटुंब का पोषण करते हैं। कोई एक भगवान की शरण में आ जाए, क्यों आए भगवान वामन बनकर बलि के द्वार पर? बलि से मांगने नहीं, बलि को देने आए थे। पाताल का वैभव स्वर्ग से भी श्रेष्ठ। भगवान ने विचार किया, बोले देखो ये हमारे परम भक्त का पोता है, प्रहलाद के पौत्र हैं बलि। बोले भाई देखो ये हमारे परम भक्त का पौत्र है और ये स्वर्ग पाने के लिए और इतना प्रयास कर रहा है। मेरे भंडार में जब स्वर्ग से श्रेष्ठ संपदा है, स्वर्ग से श्रेष्ठ वैभव है, तो यह कारण ही उसके लिए प्रयास क्यों कर रहा है? भगवान ने कहा छोड़ो इसको, हटाओ, ये नहीं जानता है, ये नहीं जानता है कि इसके हित में क्या है, पर मैं तो जानता हूं। याचक बनकर चले गए भगवान। आज तक साधु महात्मा ताना मार देते हैं भगवान को, बलि को छल लिया। आज तक साधु महात्माओं की वाणी में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी ऐसी कोई बात। भगवत रसिक देव कहते हैं बलि को छल लिया, बलि छल दियो पतार, सूरदास जी भी कहते हैं। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई कह लेगा दो बात तो हम सुन लेंगे, पर हमारे भक्त का हित होना चाहिए। वामन बनकर गए, पहले तो याचना की, पहले तो बलि का गौरव बढ़ाया, जो तीनों लोगों को देने वाला है वो याचक बनकर खड़ा है। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने यही तो कहा था, अरे नारायण है। बलि ने कहा कि साधारण बटुक ब्राह्मण को भी यदि मैंने देने का संकल्प किया होता तो भी मैं देता, मैं अपने संकल्प से लौटूंगा नहीं। और अगर आप कह रहे हो कि नारायण है, शुक्राचार्य ने कहा सब ले जाएंगे। बलि ने कहा कि अगर ये नारायण है फिर तो मेरे जैसा भाग्य किसका होगा? भूत भविष्य वर्तमान में चारों युगों में मेरे जैसा भाग्य किसका होगा? नारायण मेरे द्वार पर याचक बनकर आए। बोले फिर तो मैं अवश्य दूंगा। अब देखो बलि ने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी, क्यों? भगवान से हटा रहे थे वो। बोले आप ही बता रहे हो कि ये नारायण है और आप ही मुझे इनकी सेवा से वंचित कैसे कर सकते हो? इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, गुरु कौन? बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसीलिए गुरु की बलिहारी है, इसीलिए संत भक्त की बलिहारी वो भगवान से मिलाता है। भगवान हजार बार कहते रहे कि तुम बड़े हो, नहीं भाई बड़े तो वही हैं, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, बड़ा तो वही है भाई, उसी की बड़ाई से सबको बड़ाई मिल रही है। तो बलि ने कहा अब तुम्हें अवश्य दूंगा। अब जब फिर भी शुक्राचार्य नहीं हट रहे थे तो भगवान ने हटा दिया। आप सब जानते हो क्या हुआ उनके साथ में। आज भी आप ब्रज में चले जाइए, हमारे साथ तो घटना घटी बहुत पहले, जब जाते थे यहाँ वहाँ दर्शन करने, तो जैसे मान लीजिए 8-10 लोग साथ में हैं तो कोई आ जाएगा कि भाई लाओ हमारी कुछ सेवा कर दो। भूल से भी अगर हमने ये कह दिया कि अरे चलो आगे चलो छोड़ो, तो वो हमसे क्या कहेंगे पता है? अरे बाबा वो तो दे रहे हो, तू काय को शुक्राचार्य बन रहे हो? क्यों बाबा? भाई जो देते को रोक रहा है तो शुक्राचार्य है, बलि देने को तैयार खड़े हैं तो तुम काय को रोक रहे हो भाई? तो ब्रजवासी कह देते हैं विनोद में, अरे बाबा वो तो दे रहे हो, तू काय को शुक्राचार्य बन रहे हो? पर क्या दे दिया भगवान ने बलि को? बलि के द्वारपाल बनकर भगवान खड़े हैं आज तक। स्वर्ग से कहीं कहीं अधिक वैभव सो तो दिया ही दिया, उसके द्वार पर द्वारपाल बनकर भगवान खड़े हैं। बलि ने कहा बस यही कृपा करो, आपका दर्शन होता रहे ऐसे ही, जैसे आप खड़े हैं ना हमारे सन्मुख, ऐसे आपका सदा दर्शन होता रहे। आप बताओ क्या देकर गए भगवान? कौन कहता है भगवान मांगने आए थे? भगवान तो ये सब देने के लिए आए थे। इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना, ये ना देखना मिल क्या रहा है, अगर वो दे रहा है ना तो अंत में आपका लाभ ही होगा, अंत में आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, अंत में आपको वो प्राप्त होगा जो आपकी बुद्धि विचार भी नहीं पाएगी। बलि ने कहा सोचा था, बलि तो स्वर्ग पाना चाहते थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। अब बलि को लगता था भाई स्वर्ग में ही सबसे अधिक संपत्ति है। भगवान ने कहा बेचारा जानता नहीं, हमारे खजाने में तो और बड़े बड़े रत्न हैं, इसे वो देते हैं। पर ये सब भगवान ने किया क्यों? क्योंकि वो प्रहलाद जी के पौत्र हैं। ऐसे संबंध निभाते हैं भगवान, ऐसे संबंधों का निर्वाह करते हैं भगवान।